इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो हम लोग बनाते हैं, एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो बाइक सीधा चलने लगता है, लेकिन इस पर कोई साउंड नहीं होता। इसलिए मैंने एक नया प्रोग्रामिंग बनाया है, आप यूज करके आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर लगा के साउंड को आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेलरेटर है, उसको अगर दबाएंगे के हिसाब से साउंड आएगा, तो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग ये इलेक्ट्रिकल बाइक का जो साउंड है उसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमने लगाया है ये एक्चुअली ये आईसी आप देख रहे हैं, इसका नाम है DF मिनी प्लेयर, ठीक है। तो इसका जो पिन का कनेक्शन है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हम लोग एक मेमोरी कार्ड आसानी से इसमें डाल सकते हैं, जिस पर किसी भी डाटा या साउंड को आप इस पर क्रिएट करके इस पर डाल सकते हैं। और इसको आउटपुट इनपुट करने के लिए इसका जो पिन का डायग्राम है उसको आप लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पे एक कट है, यहाँ पे मतलब कट के इस तरफ से हम लोग गिनेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो फास्ट पिन है वो हम लोग BCC देंगे, मतलब 5 वोल्ट दे देंगे। उसके बाद सेकेंड जो है वो है RX, जो कि माइक्रोकंट्रोलर के साथ कनेक्शन होगा TX के साथ, और यहाँ पे है TX जो कि माइक्रोकंट्रोलर के RX के साथ कनेक्शन होगा। उसके बाद जो पिन आ रहा है वो है आप लोग जो हम लोग जैक यूज़ करते हैं स्पीकर के लिए, जो जैक यूज़ करते हैं उस जैक के लिए एक वायर और दूसरा है दूसरे वायर, मतलब एक जैक के लिए जो कि फीमेल जैक होगा। हम लोगों का जो हेडफोन का जैक होता है उसी जैक को हम लोग यूज करने के लिए ये दो कनेक्शन है। उसके बाद आएगा स्पीकर का कनेक्शन, स्पीकर का कनेक्शन इसके बाद जो कनेक्शन है वो है लेफ्ट। उसके बाद जो आएगा वो होगा ग्राउंड, ठीक है। हम लोग ग्राउंड जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो ग्राउंड हम लोग इस पे देंगे। उसके बाद जो लास्ट पिन है वो है राइट, मतलब स्पीकर का लेफ्ट और राइट। आप लोग अगर अलग से स्पीकर लगाएंगे तो इस पर लेफ्ट और राइट इस पर लगाएंगे। तो इस तरह हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। और दूसरी तरफ USB वगैरह सब कुछ है, इसका ज़रूरत नहीं है अभी। तो इसी कनेक्शन को हम लोग यूज़ करके ये सर्किट बनाएंगे। अभी देखिए सर्किट अभी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने एक स्पीकर लगा दिया है, आप चाहे तो अलग से इस पर मैंने जैक फिट कर दिया है, आप अलग से हेडफोन लगा सकते हैं या फिर बड़ा साइज का एम्पलीफाई का स्पीकर भी लगा सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट स्पीकर को यहाँ से कनेक्शन कर दिया इस IC की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड डाल दिया है, तो यहाँ पे जो कि मेमोरी कार्ड पे बाइक के साउंड मैंने ऑलरेडी इसमें डाउनलोड कर दिया है। तो मेमोरी कार्ड यहाँ पे है, तो ये रहा मेमोरी कार्ड। तो इसको हम लोग इंस्टॉल करके अभी स्टार्ट करके देखेंगे इसका साउंड एक्चुअली में क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोकंट्रोलर के जरिए ये कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, जो कि बाइक के जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक का जो मूविंग करने के बाद जो साउंड होते हैं, मतलब सामने की तरफ जाते हैं या पीछे आते हैं उस तरह, यहाँ पे एक्चुअली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऑन करेंगे। तो अभी देखिए बाइक का साउंड स्टार्ट हो गया है। तो अभी जब इसको घुमाएंगे तो साउंड जो है वो बढ़ेगा, देखा आपने, ये बहुत ही अच्छे से साउंड बढ़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप सिस्टम है इसको आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर आप इंस्टॉल करके आसानी से चला सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इसका जो प्रोग्रामिंग और सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।